हम यही कहेंगे वैसे तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन रात के 1:30 बजे करीब ये हादसा हुआ है। अभी नहीं, रात में गिरा था वैसे तो, देखा उस टाइम नहीं, जब आए थे तो सब कुछ गिरा हुआ ही था, वो सब शिफ्ट हो चुके थे और गाड़ियां वाड़ी दब गई इसके नीचे, बता चुका था, बता चुके थे पर लोग वही बात ना केयर नहीं कर रहे थे उस चीज की। काफी टाइम से ये चीज की परेशानी चल रही थी कि मकान गिरने वाला है। पुराना था, पहले से 1-1.5 महीने पहले खाली कर चुके थे, पहले भी इसमें दरारें वगैरह आ रही थी, कभी भी गिर सकता किसी भी टाइम। तो अब ये लोग प्लान करके एक दूसरे, एक बंदा मान रहा था दूसरा नहीं मान रहा था। दिल्ली के चप्पे चप्पे की खबरों पर हम रखते हैं पैनी नजर, तो आप यही खबरें देख सकते हैं तेज तरार की ऐप पर। तो फिर देर किस बात की है, जल्दी से जाइए प्ले स्टोर पर और जाकर डाउनलोड करिए तेज तरार की ऐप को। नमस्कार, आपका स्वागत है तेज तरार में और मेरा नाम है आफरीन खान। इस वक्त मैं दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 16 इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ से एक घटना सामने आई। दरअसल रात के तकरीबन 1:30 बजे के आसपास एक 3 मंजिला इमारत यहाँ पर ढह गई। इस मामले की जो तस्वीरें हैं वो आप सीधे तौर पर यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा इस मामले की जानकारी लेने के लिए यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं। यहाँ के जो निगम पार्षद हैं प्रदीप मित्तल जी, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। एक बार इस मामले की जानकारी लेते हैं, क्या ये जो बिल्डिंग है पहले से जर्जर हालत में घोषित कर दी गई थी, क्या इस पर एक्शन लिया गया था? क्योंकि जानकारी हमारे पास ये निकल कर आई है कि इस बिल्डिंग में कोई भी नहीं रहता था। इसका मतलब है या तो लोगों को पता था कि ये बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है, और अगर पता था तो क्या इसके लिए सरकार की तरफ से कोई एक्शन लिया गया है, कि यहाँ पर लापरवाही सामने आई है। इन बातों के जवाबों के लिए चलते हैं यहाँ पर मौजूद काउंसलर के पास और यहाँ पर मौजूद तमाम लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अभी नहीं, रात में गिरा था वैसे तो, देखा उस टाइम नहीं, जब आए थे तो सब कुछ गिरा हुआ ही था। अच्छा। और गाड़ियाँ वाड़ी दब गई इसके नीचे। तो क्या ये कोई पुराना मकान था? पुराना था, पहले से 1-1.5 महीने पहले खाली कर चुके थे, पहले भी इसमें दरारें वगैरह आ रही थी। स्लैम डाल गया था इस घर में ना 1 महीने पहले से, तो लोगों ने छोड़ दिया था चक्कर में घर। तो मतलब किसी की जान का कोई नुकसान तो नहीं हुआ? ये तो पता नहीं, रात को कोई रह रहा था इस घर में? नहीं रहता, नहीं रह रहा था। आसपास के जो मकान है क्या उनमें भी कोई क्षति पहुंची है? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो जिनका ये मकान है उन लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली है इस बात की? हाँ हाँ, उनको पता लग गया है, वो कल रात को आए थे। अभी कहाँ है वो लोग? शॉप थी, शॉप भी नहीं, शॉप वाले भी रात को नीचे आए थे। अभी कहाँ है वो लोग, कुछ जानकारी आप? मैम पता नहीं इस बारे में। पुलिस को किसने कॉल की थी? नियर बाय लोकल्स ने की थी। और कब से आ गई थी पुलिस यहाँ पर? रात में आ गई। ये जो कार्य चल रहा है फिलहाल, ये कितनी देर से चल रहा है? रात से 2 बजे। तो जिनका मकान है उनकी कोई जानकारी नहीं आपके पास कि वो कहाँ है अभी? मैम ये तो पता नहीं मेरे को। शिफ्ट हो चुके हैं ना मैडम? वो सब शिफ्ट हो चुके थे, बस मतलब के एक नीचे जो रह रहे थे वो लोग भी वैसे शिफ्ट हो चुके, 99% लोग शिफ्ट हो चुके थे। वैसे जानी नुकसान नहीं हुआ कुछ भी? नहीं, बस जो मकान गिरा है वही? हाँ वो गिरा, जो एक नीचे शायद एक या दो गाड़ियाँ कोई खड़ी थी उनका मतलब नुकसान हुआ। हाँ जी हाँ जी, बाकी दोनों का तो जैसे कोई पहले से बता दिया था कि ये घर झज्जर हो चुका है, गिर जाएगा? हाँ जी मैडम, बता चुका था, बता चुके थे पर लोग वही बात ना केयर नहीं कर रहे थे उस चीज़ की। काफ़ी टाइम से ये चीज़ की परेशानी चल रही थी कि मकान गिरने वाला है, कभी भी गिर सकता है किसी भी टाइम में। नोटिस लगा था इस पे MCD? नहीं, नोटिस नहीं लगा हुआ, नोटिस नहीं लगा था। फिर ये किसने जानकारी दी थी, कुछ पता है आपको? जैसे एक दूसरे से बातचीत तो होती रहती है कि पता चल रहा है कि हाँ ये बिल्डिंग गिरने वाली है, बिल्डिंग झुक चुकी है, गिरने वाली है, कभी भी होगा। तो अब ये लोग प्लान करके एक दूसरे, एक बंदा मान रहा था दूसरा नहीं मान रहा था, जैसे मतलब कि बिल्डिंग उतना अलग अलग मतलब फ्लोर सिस्टम था। तो जिनका ये मकान है उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया इस बारे में कि गिरने वाली है, लोग बोल भी रहे हैं ना मैडम? अलग अलग फ्लोर थे ना, फ्लोर वाइज था, एक बंदे का नहीं था ना। अगर एक बंदे का होता तो कुछ अलग चीज़ है, अलग अलग फ्लोर वाइज था। फ्लोर वाइज होने की वजह से मतलब कि कोई बंदा मान रहा कोई नहीं मान रहा। तो बाकी तकरीबन खाली कर चुके थे, एक वो टेलर था, टेलर का काफी सामान अंदर मतलब के उनका। कितने फ्लोर थे कुछ आइडिया आप? ये 3 मेरे ख्याल से 4 फ्लोर थे मैडम, 3 या 4 फ्लोर थे। काफी पुरानी बिल्डिंग थी मैडम। अच्छा, यहाँ पर कोई CCTV कैमरा लगा जिसमें ये पूरा मंजर रिकॉर्ड हुआ हो? ये सामने लगा हुआ, हाँ इनके है सर। इस मामले को लेकर आप कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए ये काफ़ी पुरानी बिल्डिंग थी और बिल्डिंग खाली हो चुकी थी, ये एक सुगत हम यही कहेंगे वैसे तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन रात के 1:30 बजे करीब ये हादसा हुआ है और खाली होने की वजह से कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। तो बाकी जो भी है इसकी जांच करेंगे क्या है इस पर। अच्छा, जैसे कुछ लोगों ने हमें जानकारी दी है कि ये जो बिल्डिंग है झज्जर हालत में ही थी, झुक रही थी काफ़ी, तो इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया था? देखिए इसीलिए 1-1.5 महीने पहले खाली कर दी गई थी बिल्डिंग, और बाकी बिल्डिंग डिपार्टमेंट को जो भी है उनसे नोटिस इशू वगैरह किया होगा तो नहीं किया था, लोगों से पूछा नोटिस ही नहीं, उसकी जांच करेंगे कि क्या इस पे हुआ है, क्यों नहीं हुआ है एक्शन, तो उसके ऊपर जांच हम लोग करवाएंगे। क्योंकि अभी हमने लोगों से पूछा कि नोटिस लगाया गया था, तो लोगों ने कहा कि कोई नोटिस नहीं लगाया गया था, खुद लोग खाली करके चले गए थे अपनी सेफ्टी को देखते हुए।
देखिए ये पता करना पड़ेगा कि इन लोगों ने इंटीमेशन दिया नहीं दिया क्या है, उसके ऊपर अभी जांच करेंगे, क्योंकि पहले तो सबसे पहले ये देखना जरूरी था कि कोई ऐसा कोई जान माल का नुकसान ना हो। उसके ऊपर रात से हम लोग भी यहाँ पर हैं और पूरी टीम यहाँ पर कार्य करती है, पुलिस प्रशासन। आप रात से यहाँ पर हैं? जी, रात 1:30-2 बजे से हम लोग। जैसे कि कुछ लोगों से खैर हमने पूछ लिया, लेकिन आप भी ये जानकारी दे दीजिए कि इस बिल्डिंग में कोई रह रहा था या नहीं? बिल्कुल ही पूरी खाली थी? बिल्कुल खाली थी बिल्डिंग, कोई भी नहीं रह रहा था पिछले 1.5 महीने। सामान का नुकसान हुआ, उसकी कुछ कीमत का अंदाजा अगर आप लगा सके? बहुत ज्यादा सामान नहीं था, सब खाली हो चुका था लगभग, शायद कोई एक दुकान के अंदर छोटा मोटा सामान। गाड़ियों की भी जानकारी मिली है कि गाड़ियां थी? गाड़ियां जो हैं वो नियर बाय किसी ने लगा कर सुबह चले गए थे। रात हमने सीसीटीवी कैमरे से भी चेक करवाया है तो 2 गाड़ियां हैं तो जो आसपास के कहीं हैं उसका नुकसान हुआ है, तो निश्चित रूप से उसकी जांच करते हैं। सर, जैसे आपने कहा है कि जांच की जाएगी, तो कब तक जो जांच के आदेश है वो दे दिए जाएंगे और कब तक उसका जो नतीजा है वो देखने को मिलेगा? देखिए, आज अधिकारी सभी आए थे यहाँ पर, एक्शन जेई सब आए थे और सभी ने रात पूरा पुलिस प्रशासन भी था, तो निश्चित रूप से आज इसके ऊपर बैठ के अभी वो अपनी जांच करेंगे, उसके बाद जो भी जल्दी से जल्द आपको बताया जाएगा। ठीक है, एक आखिरी सवाल आपसे ये मेरा है कि इस घटना के लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, ये बिल्डिंग बहुत पुरानी हो चुकी थी, लगभग 20 साल पुरानी बिल्डिंग थी और कहीं ना कहीं देखो ये फ्लोर वाइज बिल्डिंग बन चुकी थी, सभी अलग अलग ऑनर्स थे, तो खाली तो उन्होंने कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद इंटीमेशन शायद वो उन्होंने नहीं दिया होगा, तो इस पे देखेंगे कि कौन जिम्मेवार है, जो भी जिम्मेवार है, जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा क्या उस पर एक्शन लिया जाएगा? निश्चित रूप से। देखिए, आपको कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बिल्डिंग है, यहाँ पर जो बिल्डिंग धराशायी हो गई थी रात के समय, अभी जो जेसीबी की मशीनें हैं वो आपको यहाँ पर नजर आएंगी, जो पूरा मलबा उठाने का काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है, इसके अलावा तमाम जो पुलिसकर्मी है वो आपको यहाँ पर मौजूद नजर आएंगे। इसके अलावा जब हमने काउंसलर से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि वो रात से ही यहाँ पर मौजूद है, तमाम टीमें भी यहाँ पर लगी हुई हैं और जो भी मलबा उठाने का काम है वो रात से यहाँ पर जारी है और अब तक जो कार्य है वो चल रहा है। अभी तकरीबन सुबह के 11 बज चुके हैं और अभी तक जो कार्य है वो यहाँ पर जारी है, तो अब देखना होगा कि कितना टाइम लगेगा इस सब मलबे को उठाने में। और इसके अलावा जो भी अभी तस्वीरें आ रही हैं वो आपको सीधे तौर पर दिखा रहे हैं। देखिए, पास आकर तस्वीरों को दिखाने की कोशिश करें, जिन गाड़ियों का जिक्र किया जा रहा था वो गाड़ी यहाँ पर नजर आ रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो गाड़ी है पूरी तरह से यहाँ पर दब चुकी है इस मलबे में, और ये देखिए किस तरीके से पूरा जो मकान है वो टूट कर यहाँ पर गिर चुका है, वो दरवाजे आपको नजर आएंगे, ये लेंटर आपको नजर आएगा, और किस तरीके से जो बातें हो रही थी वो यहाँ पर देख सकते हैं कि जिस गाड़ी की बात हो रही थी, एक गाड़ी तो हमें भी यहाँ पर नजर आ रही है और शायद दूसरी गाड़ी भी यहीं आसपास इस मलबे में नजर आएगी। देखिए, यहाँ पर मौजूद लोगों से निगम पार्षद से बातचीत करने की कोशिश की थी, उन्होंने इस मामले को लेकर क्या कुछ कहा है वो आपके सामने है। बताया जा रहा है कि इस बिल्डिंग में 3 लोग रहते थे, 3 से 4 फ्लोर बताए जा रहे हैं, सभी ने इस बिल्डिंग को खाली कर दिया था, यानी कि किसी की जान का नुकसान यहाँ पर नहीं हुआ। हालांकि ये बताया जा रहा है कि नीचे एक टेलर की दुकान थी और इसके अलावा 2 कार यहाँ पर खड़ी थी जो इस पूरे वारदात में जो है क्षतिग्रस्त हो गई। देखिए, जो इस इलाके के काउंसलर थे उनसे भी बातचीत की है, उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया है कि पूरे मामले की जाँच की जाएगी, जो भी इस मामले में दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ जो सख्त कार्रवाई है वो यहाँ पर की जाएगी। फिलहाल राहत की बात यही है कि यहाँ पर किसी की भी जान का कोई नुकसान देखने को नहीं मिला है, लेकिन ये यहाँ पर लापरवाही है कि जब 1.5 महीने पहले ही सबको पता चल चुका था कि ये जो बिल्डिंग है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होने वाली है, झज्जर इसकी हालत है, तो आखिर इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि इसकी वजह से आसपास के लोगों के जो घर हैं उनमें भी नुकसान हो सकता था, किसी की जान पर भी बात आ सकती थी, तो यहाँ पर एक बड़ी लापरवाही तो यहाँ पर कहेंगे इसको, लेकिन ये खुदा का शुक्र है कि यहाँ पर किसी की जान की कोई हानि नहीं हुई है। और इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिसकी भी ये लापरवाही है उसके खिलाफ क्या एक्शन होना चाहिए कमेंट करके जरूर बताइएगा, पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन जगजीत सिंह के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।